श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 48 सीता का द्वेषपूर्ण वचन, श्री राम के लिए उनका संदेश, लक्ष्मण का जाना और सीता का रोना। लक्ष्मण जी का ये कठोर वचन सुनकर जंक किशोरी सीता को बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दो घड़ी तक उन्हें होश नहीं हुआ। उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बहती रही। फिर होश में आने पर जंका किशोरी दीन वाणी में लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, निश्चय ही विधता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है। इसीलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था अथवा किसका स्त्री से विछोह कराया था जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्याग दिया है। सुमित्रानंदन, पहले मैंने वनवास के दुख में पढ़कर भी उसे सहकर श्री राम के चरणों का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहना पसंद किया था। किंतु सौम्य, अब मैं अकेली प्रियजनों से रहित हो किस तरह आश्रम में निवास करूंगी और दुख में पढ़ने पर किससे अपना दुख कहूंगी? प्रभो, यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री रघुनाथ जी ने किस अपराध पर तुम्हें त्याग दिया है तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी? सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती, किंतु इस समय ऐसा अभी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पतिदेव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। किंतु सुमित्रानंदन, तुम तो वही करो जैसी महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझ दुखिया को यहाँ छोड़कर महाराज की आज्ञा के पाल में ही स्थिर रहो और मेरी यह बात सुनो। मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना, साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। लक्ष्मण, तुम अंत पुर की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना तथा जो सदा धर्मपालन के लिए सावधान रहते हैं उन महाराज को भी मेरा ये संदेश सुना देना। रघुनंदना, वास्तव में तो आप जानते ही हैं कि सीता शुद्ध चरित्रा है, सर्वदा ही आपके हित में तत्पर रहती है और आपके प्रति परम प्रेम भक्ति रखने वाली है। वीर, आपने अपयश से डरकर ही मुझे त्यागा है, अतः लोगों में आपकी जो निंदा हो रही है अथवा मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही हैं। लक्ष्मण, तुम महाराज से कहना कि आप धर्मपूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर पुरवासियों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने भाइयों के साथ करते हैं। यही आपका परम धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है। राजन, पुरवासियों के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वही आपके लिए उत्तम धर्म और कीर्ति है। पुरुषोत्तम, मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी चिंता नहीं है। रघुनंदना, जिस तरह पुरवासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सके उसी तरह आप रहें। स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है, इसलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय करना चाहिए। मेरी ओर से सारी बातें तुम श्री रघुनाथ जी से कहना और आज तुम भी मुझे देख जाओ। मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी हूँ। सीता के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। उस समय उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। उन्होंने जोर जोर से रोते हुए ही सीता माता की परिक्रमा की और दो घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, शोभने, आप यह मुझसे क्या कह रही हैं? निष्पाप पतिव्रते, मैंने पहले भी आपका संपूर्ण रूप कभी नहीं देखा है, केवल आपके चरणों के ही दर्शन किए हैं। फिर आज यहाँ वन के भीतर श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में मैं आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ? ये कहकर उन्होंने सीता जी को पुनः प्रणाम किया और फिर वे नाव पर चढ़ गए। नाव पर चढ़कर उन्होंने मल्लाह को उसे चलाने की आज्ञा दी। शोक के भार से दबे हुए लक्ष्मण गंगा जी के उत्तरी तट पर पहुंचकर दुख
थके कारण अचेत से हो गए और उसी अवस्था में जल्दी से रथ पर चढ़ गए। सीता गंगा जी के दूसरे तट पर अनाथ की तरह रोती हुई धरती पर लौट रही थी। लक्ष्मण बार बार मुंह घुमाकर उनकी ओर देखते हुए चल दिए। रथ और लक्ष्मण क्रमशः दूर होते गए। सीता उनकी ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उठी। उनके अदृश्य होते ही उन पर गहरा शोक छा गया। अब उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई दिया। अतः यश को धारण करने वाली वे यशस्विनी सती सीता दु खके भारी भार से दबकर चिंतामग्न हो मयूरों के कलनाद से गूंजते हुए उस वन में जोर जोर से रोने लगी।